हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। कहते हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उस बीमारी को जान लेना बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश का सेक्शन बहुत रोल आता है एमटीएस एग्जाम में। इस वीडियो में हम जरा इंग्लिश के सेक्शन की बीमारी को समझेंगे कि किस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन तो हमको आते हैं, अटेम्प्ट भी करते हैं, वो गलत हो जाते हैं। ये गलत क्यों होते हैं इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो हम लोग बीमारी समझेंगे कि इसकी बीमारी क्या है, उस बीमारी का फिर इलाज भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो जितनी भी लंबी हो लेकिन एक बार अगर इसको देख लोगे तो एमटीएस एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। वंस एंड फॉर ऑल वाली बात है, एक बार और पूरा इलाज इंग्लिश का इसी वीडियो में कर दूंगा। कोई भी आपको दिव्य पीडीएफ बुक कोर्स टीचर मास्टर ये सब कुछ जरूरत नहीं, सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ होता क्या है। दरअसल देखो एक बात मैं और टेक्निकलिटीज में कुछ से पहले बता दूं कि जो इंग्लिश का सेक्शन है ये आपका एमटीएस एग्जाम तो कट ऑफ नहीं क्लियर कराएगा लेकिन आपको कट ऑफ क्लियर करने से रोक देगा। कट ऑफ तो देखो जीके क्लियर कराएगा, मेक और ब्रेक जो सेक्शन है वो जीके है, लेकिन ये इंग्लिश का सेक्शन आपका बेस बनाएगा मार्क्स का। जैसे आपको 115 नंबर लाने हैं, 120 नंबर लाने हैं, तो ये जो बहुत सारे नंबर है ना, ज्यादा से ज्यादा नंबर वो इंग्लिश से आएंगे और बाकी कट ऑफ क्लियर करने के लिए जीके से आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में जब आप 66 से 70 नंबर स्कोर करोगे, फिर जीके में जाके आप कहीं 40 45 50 नंबर जब स्कोर करोगे, जीके आपकी कट ऑफ निकलवाएगी, इंग्लिश आपका बेस बनाएगा। इसकी इतनी बात आप समझ लो। अब जीके अब इंग्लिश अब इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको डील भी करना पड़ेगा हमको। बहुत से कैंडिडेट क्वेश्चन इसमें सही कर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि इतने मेरा काम हो जाएगा, 16-17 क्वेश्चन ठीक कर दिए, 18 सही कर दिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। हकीकत ये बात ही है, बुरा लग रहा है तो आपको लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 22-23 क्वेश्चन अगर आपके सही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग एग्जाम क्लियर करते हैं वो इतने ही सही करते हैं, 23-24-25 में 25 भी ठीक कर देते हैं। अब 24-25 तो छोड़ दो लेकिन 22-23 बड़ा अच्छा आंकड़ा है और इतने हम ठीक कर सकते हैं। आइए कुछ जरा आंकड़े समझ लेते हैं क्या है ये? देखो इंग्लिश में मैंने मेजर नीच लिख दिए हैं, मतलब सब टॉपिक्स लिख दिए इंग्लिश के जो जनरली आते हैं एग्जाम में, स्पॉटिंग एरर, इडियम फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग एरर, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलिप्स, क्लोज टेस्ट। आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से एक बार पढ़ लेना। जनरली मैंने 2022 और 23 दोनों साल के सारे शिफ्ट की, मैंने 57 शिफ्ट जो थी उसकी, उसकी 37 शिफ्ट की सारी मैंने एनालिसिस करके इन आंकड़ों पर मैं पहुंचा हूं। 6 क्वेश्चन आमतौर पर स्पॉटिंग द एरर के, इडियम फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम के 3, 1 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के 2, वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2, फिलिप्स के 4 और क्लोज टेस्ट के 5। मैंने फिलिप्स और क्लोज टेस्ट को अलग अलग रखा है, क्यों? क्योंकि क्लोज टेस्ट में आता है एक पूरा पैसेज, उसकी पूरी थीम होती है, और फिलिप्स में क्या रहता है, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको फिलअप करना रहता है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैंने अलग रखा है। जनरली कैंडिडेट्स इनको साथ ही में सोचते हैं लेकिन ऐसा सोचना गलत है आपका। ये तो भैया आंकड़े होगा कितने कितने सवाल आते हैं, टोटल हो गए 25 सवाल। अब इधर मैंने लिखा एरर स्कोप, ये काम की चीज है, इसको जरा ध्यान से समझ लेना। इन 6 में से आमतौर पर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इन 2 में से एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इन 3 में से एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एंटोनियम में से एक एंटोनियम आया, एक गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये 3+1 4 क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें से चांस है 50% आपके गलत हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 आप करोगे तो एक गलत हो जाएगा, फिलिप्स में 4 अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो एक गलत हो जाएगा, क्लोज टेस्ट में 5 करोगे तो एक गलत हो जाएगा। ऐसा आमतौर पर देखा गया है, ठीक है, ये एक एनालिटिक्स है, हो सकता है कि आपके ना गलत हो लेकिन अमूमन ऐसा रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? 25 में से 7 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, प्लस माइनस 2 मैंने यहाँ लिख दिया है, मतलब कि हो सकता है कि आपके 5 सही हो सकता है कि 5 गलत हो सकता है कि आपके 9 भी गलत हो, ठीक है, इसलिए मैंने प्लस माइनस 2 यहाँ लिख दिया। ऐसा होता है, ठीक है, इसी बीमारी का हमको इलाज करना है। 3 मेजर बीमारी है इंग्लिश की, अगर ये ठीक कर दी तो ये गलतियां नहीं होंगी, ठीक है, एटलीस्ट ये गलतियां तो कम हो जाएंगी। बाकी और आप सिली मिस्टेक कर दो उसकी बात अलग है, ये मैं टेक्निकल एरर बता रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स तो भैया देखो वो आप करोगे वो मेरे हाथ में नहीं है, वो पूरी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन मैं सिली मिस्टेक्स को कैसे डील करते हैं ये भी आने वाली वीडियोस में जब मैं मॉक टेस्ट लगवाऊंगा उसमें बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं बताता भी हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूँ, सुबह वाली वीडियो में मैंने कराया तो उसमें सब डील करता हूँ। बट एनीवेज देखो यार, दिक्कत होती है 3 तरीके की और तीनों दिक्कतें मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। एक दिक्कत आती है स्पॉटिंग एरर में, एक दिक्कत आती है इसमें और एक दिक्कत आती है इसमें, ये पहली गलती, ये दूसरी गलती, तीसरी गलती, ये दिक्कत कह लो, बीमारी कह लो, कुछ भी कह लो। देखो स्पॉटिंग एरर में जो दिक्कत होती है, जो पहली दिक्कत सबसे ज्यादा होती है इंग्लिश में, वो होती है रूल्स नहीं आते हमको इस वजह से, ठीक है, थोड़ा सुन लेना। अब ये नहीं एकदम भाग पढ़ो कि रूल्स बताओ कौन से पढ़े क्या पढ़े, ऐसे नहीं, पहले समझो बात को। इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, इसमें दिक्कत होती है नॉलेज की, मतलब आपने उसको पढ़ा ही नहीं कभी, कभी आपने देखा ही नहीं उस सिनोनिम को, कभी एंटोनिम को आपने देखा ही नहीं, कुछ भी रैंडम सा आ गया यार, उसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं, लेकिन वो नॉलेज की वजह से वहां पर क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये दूसरी गलती हो गई। ये जो 4 सेक्शन है इनमें बड़ी मजेदार गलती होती है और जरा इसको ध्यान से समझ लेना कि गलती क्या होती है, तो मैं जरा कलर बदल लेता हूँ। ओके, इन 4 में गलती होती है 50-50 की। ये गलती कैसी होती है? ये गलती होती है जैसे कि आपको कोई वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, आपको एक वर्ड दिख गया कि यार हाँ इसका इसका
ये होगा, लेकिन दो इतने मिलते जुलते क्लोज क्लोज ऑप्शन दे देते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें कौन सा पुट करें। क्लोज टेस्ट में मान लो आपने चार अटेम्प्ट कर दिए, एक एक फिलअप में आपको, एक क्लोज टेस्ट के फिलअप में आपको दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से मैं कौन सा चूज करूँ, आप गलत चूज कर देते हो और वही आपकी गलती हो जाती है, समझ रहे हो। ये मैंने जो एरर स्कोप लिखा है ऐसे रैंडमली नहीं लिख दिया है इसको, इसलिए मैंने कहा था स्क्रीनशॉट मार लेना इसका, और प्रीवियस जब पेपर सॉल्व करोगे ना तब देखना आप इसी में फॉल करोगे, इसी कैटेगरी में। ये तीन बीमारियां हैं। अब इन तीन बीमारियों का इलाज समझने से पहले मैं थोड़ा आपको आंकड़े एक समझा देता हूँ, ठीक है। बीमारी का इलाज तो मैं आपको बता ही दूंगा अभी, वीडियो तक बने रहना, 5-5.5 मिनट हो गए, बट प्लीज ये वर्थ इट होंगे आपके लाइफ के। 25 क्वेश्चन है, 9-7 से 9 मतलब 5 से 9 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वो सब चीजें तो अभी हम ठीक कर देंगे, ठीक है। थोड़ा इधर एक आंकड़े समझना जरूरी है, ये देखो ये लिखा हुआ है फाइनल सेफ रॉ स्कोर, 120 नंबर का अगर आप स्कोर लाओगे तो आपको अपना मनचाहा स्टेट मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा। हालांकि इस साल कट ऑफ जहां तक मेरा अनुमान है 128 से 130 रहने वाली है कट ऑफ, 128 के मिनिमम कट ऑफ 128 रहेगी जहां तक मेरा अंदाजा है। 115 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, 110 में भी सिलेक्शन हो सकता है हार्ड शिफ्ट में, लेकिन 120 का मैं क्यों कह रहा हूँ ये लेकर चलो, क्योंकि इतने में आपको अपना मनपसंद स्टेट मिल जाएगा, होम स्टेट मिल जाएगा आपको, इसलिए 120 इज अ वेरी सेफ स्कोर। नॉर्मलाइजेशन तो होगी तो हो, वो तो देखा जाएगा 10-12 नंबर 8 नंबर जो भी होगी, लेकिन इतना मान के चलते हैं। अब 120 का जो दिव्य आंकड़ा है, इस दिव्य आंकड़े को, इस कॉम्बिनेशन को छूने के लिए, इस दिव्य नंबर को छूने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जरा हम लोग समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ आइडियल कॉम्बिनेशन कि आप इतने अटेम्प्ट करते हो, कितने करेक्ट होते हैं, कितने इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है, ये इसको जरा समझना बहुत जरूरी है। देखो इंग्लिश में आपने 23 अटेम्प्ट करे, ठीक है, और आपके दो गलत हो गए, तो आपका 61 नंबर स्कोर बनेगा नेट। तब आपको इंग्लिश में 20 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे नेट, समझ रहे हो कितना मुश्किल टास्क है। अगर हमने 23 अटेम्प्ट करे इंग्लिश में, दो गलत हो गए, तो आपका 61 नंबर आएगा रॉ स्कोर, तब आपको इंग्लिश में 20 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, कितना बड़ा चैलेंज है यार। 24 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे और दो गलत हो गए तो आपके 64 नंबर आएगा रॉ स्कोर, ठीक है, 64 नंबर आपका रॉ स्कोर आएगा। तब आपको 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जीके में, 25 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मान लो, दो आपके गलत हो गए, तब आपका 67 नंबर स्कोर आएगा, और जीके में फिर आपको 18 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। ये बड़ा चैलेंजिंग सा टास्क है, इससे बेटर मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, आप 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कम अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी बढ़ा दो इंग्लिश में, और 21-21 सही कर दो, तो आपका 63 नंबर रॉ स्कोर आ जाएगा इंग्लिश में, तब आपको जीके में 19 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, या फिर आप इंग्लिश में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो मेहनत करके, तो आपका 66 आएगा रॉ स्कोर इंग्लिश में, तब आपको जीके में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। या फिर जो सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसको मैं बार बार कहता हूँ करने के लिए, वो है ये वाला, 23 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दो, 25 मत करो, दो क्वेश्चन आपको नहीं आते, मान लो idiom phrases का कोई एक क्वेश्चन नहीं आता आपको, और एक क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज हो, ठीक है, जिसमें आप कंफ्यूज हो, मान लो स्पॉटिंग दिया रहता है, आप कंफ्यूज हो, छोड़ दो, मत करो उन दो क्वेश्चन को, 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 23-23 सही हो गए तो 69 नंबर आपके आपका आएगा ड्रॉ स्कोर इंग्लिश में, तब आपको जीके में 17 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। तो ये जो अपने पास दिव्य आंकड़ा निकल के आया है 23 और 17 का, 23 क्वेश्चन इंग्लिश में, 17 क्वेश्चन जीके में, ये आपको 120 का टारगेट आराम से टच करा देंगे। 17 क्वेश्चन जीके में नेट करेक्ट आराम से हो सकते हैं, अगर आप 20-21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो कट पिट के आपके 17 ठीक हो ही जाएंगे, जिस हिसाब से मैं आपको बताई स्ट्रेटजी, आप पिछली वीडियोस देख लेना, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज पिछली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरा मकसद आपको सिर्फ टाइम पास या फिर वो लंबी लंबी लेक्चर क्लासेस मैराथन क्लासेस कराने का कोई मतलब नहीं, स्ट्रेटजी बताना। ये चैनल टिप्स और स्ट्रेटजीज के लिए, डिफेंस एग्जाम टिप्स चैनल इस नाम से मैंने क्रिएट करा था, जहाँ पर मैं टिप्स और स्ट्रेटजी बस ये दो ही चीजें डिस्कस करता हूँ। पढ़ना पढ़ाना तो आपको यार वो तो कौन नहीं पढ़ सकता किताबों से, लेकिन ये जो फंडा होते हैं ना आपको, ये फंडे जानने बहुत जरूरी है, ये नहीं बताते लोग, बाकी तो टाइम पास कराते रहते हैं। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखना, 23 और 17 का आंकड़ा हम लोग टच करने का प्रयास करेंगे। 120 नंबर अगर आपका टारगेट है, तो अगर किसी कैटेगरी से फॉल करते हो तो अपना थोड़ा सा जो एम है वो नीचे कर लेना, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्टेट में जॉब चलेगी तो 115 का आप सेफ स्कोर मान के चलना, इतने में हो जाएगा, तो फिर अपना अकॉर्डिंगली आंकड़ा कम कर लेना। ये तो बात हो गई जो मैंने आपको बताना, मुझे बहुत जरूरी लगा कि आपको पता होनी चाहिए। अब इन जरा बीमारियों का इलाज बता देता हूँ, इन बीमारी को ठीक कैसे करना है। देखो रूल्स वाली जो बीमारी है, तो चैनल पर मुझे शायद किसी ने बताया था 50 रूल्स या 60 रूल कोई मैम पढ़ाती है, 120 रूल्स भी है शायद, तो आप उनसे नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो, जो कि मैं आपको करा दूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं जैसे प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें रूल्स उसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं आपको फंडा बता के उसमें करा दूंगा आने वाले दिनों में। अभी मैं करा भी रहा हूँ, आगे कराता भी रहूंगा। ये बात आ गई नॉलेज की। देखो यार नॉलेज का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये आपको खुद याद करना पड़ेगा। मैं करा ये सकता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा सकता हूँ, और उनका हिंदी में मीनिंग समझाकर आसानी से याद कराने का प्रयास कर सकता हूँ। बस 50-50 वाले क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी हेडेक है यार, सबसे ज्यादा गलतियां यहाँ पर होती है, तो इसको ठीक कराने का जिम्मा मेरा है।
आने वाले दिनों में मैं लेक्चर्स के थ्रू इनको कवर कराकर आपको ठीक कर दूंगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रूल्स आपको जो है शायद यूट्यूब पर 60 रूल्स या 50 रूल्स वाले कोई वीडियो है, 120 रूल्स वाले भी कोई वीडियो है कि कोई मैम पढ़ाती है, मुझे श्योर नहीं पता अभी, उनका नाम नहीं याद आ रहा, आप उससे कवर कर लो, बाकी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा। नॉलेज आप गैदर कर लो सिनोनिम मेंटेनो मीडियम फ्रेजेस, आपके पास किताब होगी किरण पब्लिकेशन कोई भी किताब हो उससे आप पढ़ लो, प्रीवियस पेपर लगा लो, बाकी प्रैक्टिस मैं आपको कराता रहूंगा। ये दो चीजें आप प्लीज कवर कर लेना, हालांकि प्रैक्टिस मैं इनमें कराऊंगा, ये जो चीज है 50-50 वाली इसको मैं ठीक करा दूंगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें गलत होते हैं, ठीक है। स्पॉटिंग एरर में भी हो सकता है कि 50-50 में आप कंफ्यूज हो जाओ, तो ये 50-50 वाला जो बवाल है ना इसको मैं ठीक करा दूंगा। ये थी पूरी वीडियो बताने की इंग्लिश की, कि क्या उसमें समस्याएं होती हैं और कैसे उसको ठीक करना है, ठीक है। कुछ जिम्मेदारी तो मैंने ले ली, कुछ जिम्मेदारी मैंने आपके ऊपर छोड़ दी है, क्यों? क्योंकि वो वैसे ही ठीक हो सकती है, कोई भी आप सोचो कि मैं पीडीएफ ले लूँ कुछ ले लूँ उससे ठीक हो जाएगा, तो यार देखो उससे ठीक होगा नहीं। सच बात तो ये, सच जानना बहुत जरूरी है, सच में जीना सीखो यार, ये मैं आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। बाकी मैं यहाँ पर हूँ, कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। आप कमेंट करने से घबराया मत करो यार, आप नए हो शायद चैनल पे, आपको पता नहीं है एमटीएस बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम है, इससे पहले मैं नेवी मार की तैयारी कराता था, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कमेंट खुलकर करो, मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। कोई और आपको प्रॉब्लम हो जब लाइफ में अगर स्ट्रगल कर रहे हो, जाहिर सी बात है नौकरी का दौर चल रहा है तो आप हो गए परेशान, तो डिफेंस एग्जाम टिप्स @gmail.com के नाम से ईमेल आईडी आप यहाँ पर भी मेल कर सकते हो, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं लोगों की बात सुनता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। घबराने कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके साथ हूँ, ये दौर ऐसा है गुजर जाएगा एक दिन, जब आपको जॉब मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप आप सभी ठीक होगी, लास्ट तक वीडियो आपने देखी है तो वीडियो को आप लाइक कर दो, तब मैं जान जाऊंगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।